आज का हमारा टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं, गोना बी अ शॉर्ट रीडिंग एंड लेस कम्युनिकेट विद द कार्ड्स, ठीक है। चलो भाई, दीदी ने मुझे आज डिवोशनली स्पिरिचुअली हेल्प की, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग मच बेटर, सो थैंक्स टू हर। एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू आवर रीडिंग, ठीक है। सो कोई फिदा आपकी बातों पे, ये हम रीडिंग करने वाले हैं। एंड रिगार्डिंग दिस हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट्स, पहला है ये लव मैसेजेस, सेकंड है ये टैरो, ठीक है। तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं भी लव मैसेजेस क्या आते हैं, जो भी रेजोनेट होता है आप उसे ले लीजिए। वेल यू विल नो कि भाई आपकी कौन सी बातें अदा उनको पसंद हैं, क्या वही यहाँ पर आती हैं, तो हाँ यू कैन बी श्योर शॉर्ट अबाउट इट, ठीक है। तो चलो कुछ कार्ड चुनते हैं। सबसे पहले चुनते भाई ये आ गया कि पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, ठीक है, तीसरा, चौथा, और करते हैं थोड़ा सा शफलिंग। ये आ गया पांचवा कार्ड, ये आ गया छठवा, और ये आ गया ये पांचवा छठवा कितना होगा वो, चलो इतनी कार्ड लिए हमने, आई वॉज नॉट काउंटिंग एट ऑल। तो देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है। सो ही वी गो। चलो भाई, पहला जो कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है वो है कि मैं इसे यहाँ पे पकड़ता हूँ कि I can feel it in the warmth of your touch, cause it touches my heart and soul, for your sensitivity and support. 47 नंबर का एक कार्ड आ गया है, ठीक है। भाई इनका मतलब है कि जब भी आप इन्हें कुछ बातें बताते हो जो दिल से कहते हो, तो सच में आप इनका दिल जीत लेते हो। एंड बहरहाल अगर आप इनका हाथ पकड़ते हो, यू वॉन्ट टू किस देम ऑन देयर चीक्स, और जस्ट आपने उनके कंधे पे हाथ रखा, तो वो जो फीलिंग है वो उनके हार्ट और उनकी आत्मा दोनों को छू जाती है, ठीक है। सो आपकी जो सेंसिटिविटी है और आपका जो सपोर्ट है, देखो कंधे पे हाथ रखना मतलब ये नहीं कि बस आप बाइक पे बैठे हो इसलिए आपने कंधे पे हाथ रखा है। कई बार हमें एक दूसरे को बढ़ावा देने की ज़रूरत होती है या फिर सपोर्ट करने की, भाई डोंट वरी, चीज़ें सही हो जाएंगी, ये बस बैड पैच है, निकल जाएगा। जब हम ऐसे किसी को कहते हैं तो सच में किसी को बहुत अच्छा लगता है कि कोई सच में हमारे ऊपर भरोसा करता है। आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में वही सोचता है कि आप उनके ऊपर भरोसा करते हो। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है वो है यू अंडरस्टैंड इफ आई फॉरगेट समथिंग वर्थ रिमेंबरिंग, ठीक है। अगर ये कोई भी बात या जज्बात भूल जाते हैं बयां करने का, तो आप इन्हें याद दिलाते भी हो और इनको समझते भी हो। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़ी बात होनी, जैसे कि आईफोन दे दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं बिल्कुल नहीं। छोटी बातें जैसे कि आज सुबह 10 बजे मिलना था, 9:50 पर आपको मिलने के लिए आ गए, इन्होंने छोटा सा मैसेज किया आपको, तो ये जो बातें हैं ये मतलब अगर आप इनको पैसों के तरफ से देखोगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर इमोशनली देखोगे तो इतनी वैल्यू हो जाती हैं कि अगर आपने 5 साल भी अगर आपकी रिलेशनशिप चली तो आप कहोगे भाई इतनी हैप्पी मोमेंट्स मुझे मिले हैं जो शायद ही किसी को मिले होंगे। तो ये चीज़ इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप में बार बार देखते हैं। तीसरा जो कार्ड है वो है योर टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर, यू नो हाउ टू मेक मी लव। वेल इनको किस तरह से हंसाना है, कैसे इनको डिप्रेसिव मूड से, गलत इन्फॉर्मेशन से बाहर निकलना, अगर गलत संगत इनकी तो कैसे उनकी आदत छुड़ानी है, ये सब आप सही तरीके से करते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू वुड गिव अप योर फेवरेट पास्ट टाइम टू बी विथ मी। ये थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन क्या कहें, अगर आप ऐसे करते हो तो कई बार दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मानो इनको वड़ा सांभर पसंद है, आपको इडली पसंद है, लेकिन आप इनके लिए ठीक है वड़ा सांभर, तो ये अगर बात है तो मे बी ये बात आप उनके साथ हमेशा करते हो तो इसलिए इनको काफ़ी याद है। ओके, ये हम रिवर्स लेंगे, ठीक है। वी कैन टॉक ओवर द टेलीफोन फॉर आवर्स टुगेदर इवन इफ आई हैव सीन यू द डे बिफोर। बातें करने का कोई समय तय नहीं होता, जब भी चाहे आप दोनों जी भर के बातें करते हो, एंड यही बात आप दोनों को काफ़ी उम्मीदें दिलाती हैं कि भाई चाहे मिलके 2 घंटे हुए हैं, 2 दिन हुए हैं, लेकिन अगर आपका मन है बातें करने का आप ज़रूर बातें करोगे, और ये इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है। सिंस द डे यू केम इन टू माई लाइफ एवरीथिंग इज परफेक्ट। जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हों चीज़ें बदल गई हैं। आपको ऐसे कुछ लोग मिलते हैं, आपके दोस्त भी शायद कहते हैं कि भाई मेरा घर ऐसा रहता था, मैं ठीक नहीं रहता था, कपड़े ऐसे पहनता था वगैरह, लेकिन जब से मेरे लाइफ में मेरी गर्लफ्रेंड आ चुकी है, फिर माई वाइफ हैज़ एंटर, तब से मैंने सब बदल दिया है। अब मैं समय पर उठता हूँ, एवरीडे
तैयार होता हूँ, भगवान की हर रोज़ पूजा करता हूँ, एंड गुस्सा बहुत कम होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो मिराकुलसली क्यों होती हैं, क्योंकि कोई पर्सन अपनी पूरी एनर्जी आप में डाल देता है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। नेक्स्ट गार्ड है वो है यू नेवर गिव अप ऑन मी एंड दैट्स वॉट कीप्स मी गोइंग। आप कभी भी इसके ऊपर गिव अप नहीं करते। गिव अप नहीं करना मतलब क्या है कि देखो, कई बार कोई पर्सन जो होता है उसको कोई चीज़ छोड़नी होती है, जैसे कि मानो ड्रिंकिंग की हैबिट छोड़नी है, स्मोकिंग हैबिट छोड़नी है, गैम्बलिंग छोड़नी है। यू नो आजकल जो ऑनलाइन गेमिंग्स आ गए हैं, कई बार लोग उसमें इतना इन्वेस्ट करते हैं कि उनको फिर पछताना पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई आदत है जिससे वो परेशान है, तो वो छोड़ने के लिए अगर आप इनकी हेल्प करते हो तो इनके लिए काफ़ी बड़ी बात है, कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना समय किसी को देते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है व्हेनेवर आई नीड इट मोस्ट यू आर देयर विथ योर ऑल पर्पज हग्स। ठीक है, जब भी इनको ज़रूरत है आपकी, आप हमेशा इनके पास रहते हो एंड इनको एक झप्पी दे देते हो, हग्स एंड किसेस तो नहीं यहाँ पे, लेकिन हग्स है कि भाई डोंट वरी आई एम विथ यू। एंड जो फाइनल कार्ड है वह यू आर सो कडलसम। आप दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद है। जब भी आप दोनों किसी को देखते हैं तो आपकी आँखों में जो चलता है सामने वाले को भी वो पता चल जाता है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग दी लव मैसेजेस, और अब देखते हैं कि भाई टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। चलो करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो। ओके, तो चलो भाई हम अभी कुछ ही कार्ड चुनेंगे। तो जो पहले कुछ कार्ड आ गए हैं, यस ओके, वाह इतने सारे कार्ड आ चुके हैं, बस ओके चलो भाई कोटा तो खत्म हो गया। यहाँ पे देखते हैं अभी यहाँ पे रीडिंग क्या आती है, एंड हियर वी गो। ओके, हमें सिर्फ स्ट्रेट ही कार्ड चुनने हैं, सो देखते हैं। देखो सेवन ऑफ वॉन्ड्स एक कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो कोई हो सकता है फायर साइन यानी कि एरीज लियो सैज, एंड यहाँ पे जो कार्ड है ये पर्सन जल्द से जल्द आपके साथ गठबंधन में या तो आना चाहता है, या फिर जब भी आप इनके साथ होते हो तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, सेकेंडली जो बात है कि मे बी अगर कोई भी पर्सन आप दोनों के खिलाफ है, तब भी ये पर्सन चाहेगा कि भाई जो जादू आपके कारण इनके ऊपर हुई है वो इस जादू को फेडअप नहीं होना चाहते। उनके हिसाब से आपको और इनका साथ हमेशा के लिए हो सकता है अगर आप दोनों इसके लिए कोशिश करते हैं तो। सेकेंड जो कार्ड है वो है जस्टिस यानी कि लीब्रा वाला कार्ड यहाँ पे आ चुका है, एयर साइन। देखो इस रिश्ते में अगर हम देखें तो जस्टिफिकेशन हो रहा है। अब मे बी आप दोनों अगर जो भी आपका अभी स्टेटस है रिलेशनशिप का, या तो आप दोनों सिंगल हैं या फिर समबडी इज डिवोर्स, समबडी इज विडो, व्हाटएवर इट कुड बी, लेकिन फिर भी अगर आप दोनों साथ में आते हैं और दोनों को अगर अच्छा महसूस होता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ निभाते हुए इस रिश्ते को आप जस्टिस दिलाते हो, एक दूसरे के मन को जस्टिस दिलाते हो, और ये काफ़ी अच्छी बात है। वरना कई सारी शादियाँ ऐसी होती है कि किसी को शादी करनी नहीं होती लेकिन फैमिली कहती कि करो तो फिर करते हैं और फिर बाद में खुश नहीं रहते। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, यहाँ पे बात है आगे बढ़ने की। आई थिंक ये पर्सन आपसे जुड़ने के लिए बिल्कुल भी बेताब है। ठीक है, एंड इनको आपकी ये बात काफ़ी अच्छी लगती है कि जब भी ज़रूरत है आप इनको साथ हमेशा देते हो, इनको सपोर्ट करते हो, एंड अगर मिलना मुमकिन नहीं है तो बात करते हो, इनके फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हो, सपोर्ट करते हो अलग अलग तरीके से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन फायर साइन एरीज लियो सैज, मे बी आप इनकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। मे बी आप बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो, चार्मिंग हो, खूबसूरत हो, और आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हो। तो इतने सारे गुण एक ही व्यक्ति में अगर आपको मिले तो आप क्या कहोगे। सो दैट्स व्हाट द पर्सन इज आपके ऊपर लट्टू है। ओके, अब लट्टू का क्या मतलब निकाले। देखो नाइन ऑफ कप्स आ गया, तो अगेन ये विश कार्ड आ गया कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वाला। भाई ये तो सिंपल सी बात है, आप दोनों में जब कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि आप दोनों किसी को मिलना चाहते हैं या फिर फ़ोन पे बात करते हैं, तो एक ही बात होती है कि भाई दोनों की ख्वाहिशें पूरी होती है। नाइन ऑफ कप्स इज लाइक कि भाई आपको इनमें कुछ अलग दिखता है, इनको आप में कुछ अलग दिखता है, और दोनों मिलके फिर एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो यस इट्स ऑल अबाउट द शादी एंड मैरिज। अगेन द फायर साइन, तो फायर साइन तो बहुत जोर शोर से है यहाँ पे। भाई शादी का अगर हम बात करें तो ये पर्सन आई थिंक आपकी इच्छाओं की कदर करता है। मे बी आप भी इनके तरह ही जल्द से जल्द शादी करना चाहते हो, या फिर यू वॉन्ट टू गेट एंगेज अर्लीस्ट। ठीक है, या तो आपने अपना रिश्ते का स्टेटस कमिटेड एंड एज ए कपल भी लिखा होगा अलग अलग सोशल मीडिया पे। एट ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है, सो फोर ऑफ वॉन्ड्स के बाद एट ऑफ कप्स इज समथिंग। देखो कहीं ना कहीं पे बात ये होती है कि जब भी दोनों में से कोई व्यक्ति डिफ़िकल्टी महसूस करता है, फिर चाहे आप करते हो या वो करते हो, तो
एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर मिलता है। मतलब कि कोई अगर हॉस्पिटलाइज हुआ है या फिर किसी को पैसों की परेशानी है, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है, फैमिली इश्यूज है, तो आप एक दूसरे को ज़रूर हेल्प करते हो और ये कारण है कि आप दोनों को क्यों अच्छा लगता है एक दूसरे का साथ निभाना। हालांकि जो लास्ट वाले दो कार्ड है वो है एट ऑफ कॉइंस एंड एट ऑफ सोर्ड्स, तो दो दो एट यहाँ पे आ चुके हैं 16 नंबर। तो क्या मतलब निकालता है इसका? देखो, ये है कॉइंस यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और ये है सोर्ड्स यानी कि एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का बात करें तो कहीं ना कहीं आई थिंक आप दोनों ही जो है वो शायद अपने पास्ट रिलेशनशिप से हर्ट हो चुके हैं कहीं ना कहीं पे। मे बी ये आप दोनों में कॉमन हो सकता है, शायद दोनों की ही रिलेशनशिप अब्यूजिव हो सकती है, या फिर किसी के अब्यूजर, किसी को किसी ने ठुकरा दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। एट ऑफ सॉर्ट्स में भी कैसा हो सकता है कि मे बी जिंदगी का मायना समझ में नहीं आ रहा था, फिर अचानक से किसी के साथ मिल गई और ये शायद आप दोनों के साथ हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा है। और एट ऑफ कॉइंस, काम करते करते हुए बोरियत महसूस हुई कि भाई क्या करें, क्या जिंदगी बस यही है। तो तब अगर आप दोनों एज अ कलीग बन के आ चुके हैं या फिर आपके अचानक से इनके ज़िंदगी में अगर बाहर आ चुकी हैं तो क्या कहना, तो ये सारी बातें इनको आप में पसंद आ रही है। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।